हेलो सिविल इंजीनियर, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा नॉर्मल ब्रिक और ब्रिक टाइल्स में क्या डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, सब अच्छे से जानते हो, ये हमारी नॉर्मल ब्रिक है। इसकी जो डायमेंशन है वो भी आप अच्छे से जानते हो, और इसका जो यूज़ है वो ब्रिक वगैरह की वॉल बनाने में दोस्तों फाउंडेशन में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपना ब्रिक टाइल्स की तरफ। ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये रखी है मेरी यहाँ पर ब्रिक टाइल्स। और दोस्तों, ये नॉर्मल टाइल्स से किस तरीके से डिफरेंट है, तो ये नॉर्मल ब्रिक से एक तरीके से डिफरेंट है। इसकी जो थिकनेस होती है दोस्तों, वो थिकनेस नॉर्मल ब्रिक से बस कम होती है। ये होती है 1.5 से 2 इंच के बीच में, और वो होती है दोस्तों हमारी 3 से 4 इंच के बीच में। इसका जो यूज़ है दोस्तों, वो हमें छत वगैरह बनाने में किया जाता है, और नॉर्मल ब्रिक का जो यूज़ है वो हमेशा वॉल बनाने में किया जाता है। और दोस्तों, इसका जो यूज़ छत बनाने में वो इसलिए किया जाता है कि इसका जो वेट है वो कम होता है। ठीक है दोस्तों,